नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका का इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, कैनेडा हो गया, यूएसए हो गया, उसमें जो मेजर रिवर्स है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो रिवर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक एक रिवर की अगर डिटेल हिस्ट्री करने पे गए तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत ही बेसिक आइडिया दिया है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का फुल्का आइडिया इनफ है कि भाई कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनके नाम क्या है, और यूएसए के और कनाडा के कौन से पार्ट में वो फ्लो करती हैं और कौन से गल्फ में गिरती हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं कहीं पर, और अटलांटिक ओशन में गिर रही हैं कहाँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसको। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड्स हिंदी में है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके सामने पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप बना हुआ है। तो यहाँ पे अलास्का में आपको यूकॉन रिवर नज़र आ रही है, फिर कनाडा में मैकेंजी रिवर है, फ्रेजर है, कोलंबिया रिवर आपकी कनाडा से निकल के फिर यूएसए में घुसती है, चर्चिल रिवर है। ठीक है, फिर आप सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर आपके लेक ऑन्टोरियो से निकल के सेंट लॉरेंस कनेक्ट होता है किससे, अटलांटिक ओशन में। तो सेंट लॉरेंस रिवर आपका एक तरीके से कहते हैं जो ग्रेट फाइव ग्रेट जो लेक्स हैं आपकी ये नॉर्थ अमेरिका की, जिनका नाम है मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, सुपीरियर, ऑन्टोरियो, इनको अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। कॉमर्शियली भी इसके बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। फिर कोलोराडो रिवर है, बहुत बड़े बड़े कैनियंस बनाती है कोलोराडो रिवर, फाइनली गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाती है। फिर मिसिसिपी, मिसूरी, ओहायो, ब्राजोर और रियो ग्रांडे। तो ये जो सारी रिवर्स है ये आपकी यूएसए की रिवर है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है, यूएसए नहीं मतलब नॉर्थ अमेरिका की रिवर है, इसमें कुछ यूएसए की है और कुछ कनाडा की है। तो ये चीज़, ये नाम तो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर हल्का हल्का इन रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कोलोराडो रिवर की बात करेंगे। कोलोराडो रिवर की लोकेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसी है फ्रेंड्स, ऐसे आके यहाँ पे गिर रही है। कहाँ पे गिर रही है? ये गिर रही है आपका फ्रेंड्स गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो से शुरू होती है, साउथ वेस्ट मूव करती है यानी ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है। इसकी लंबाई है 1450 मील यानी 2333 किलोमीटर, और इसने अपने रास्ते में बहुत बड़े बड़े कैनियंस बना रखे हैं। कैनियंस क्या होते हैं फ्रेंड, कि जब एलिवेटेड लैंड मास होता है, जैसे पहाड़ होते हैं, तो एलिवेटेड पहाड़ भी नहीं, अगर आपने एलिवेटेड लैंड मास को वर्टिकली रिवर काटती चली जाती है, तो वर्टिकली जब रिवर उनको काटती चली जाती है तो जो कटा हुआ पोर्शन है वहां से तो नदी बहने लगेगी और बगल में आपके एक एलिवेटेड पोर्शन आपको नजर आएंगे। तो फिर वो जो नीचे से कटा हुआ पोर्शन है जहां से रिवर बह रही है उसको आप बोलते हो कैनियन। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रैंड कैनियन बना रखा है कोलोराडो रिवर में नॉर्दर्न एरिजोना में। ये बहुत ही सीनिक आप कह सकते हो फ्रेंड्स टूरिज्म स्पॉट है। कभी अगर आपको वहां जाने का मौका मिला तो आपको देख के ही बहुत अच्छा लगेगा। और इस कोलोराडो रिवर में इतना पानी कि लगभग 30 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इसके रास्ते में, डजन्स ऑफ डैम्स और रिजर्वायर्स के रास्ते में बनाए गए हैं। फिर अगली नदी जिसकी हम बात करेंगे वो है ब्रेजोस नदी फ्रेंड्स। तो ये ब्रेजोस नदी आपको नजर आ रही है, ये रही आपकी ब्रेजोस नदी आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। तो ब्रेजोस नदी आपकी टेक्सास रिवर भी बोलते हैं इसको, निकलती है आपकी स्टोन वॉल कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टेक्सास स्टेट से साउथ ईस्ट फ्लो करती है और फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 1351 किलोमीटर। फिर अगली है कोलंबिया रिवर। अब आप कोलंबिया रिवर की बात करोगे तो अगर लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये रही कोलंबिया रिवर कुछ इस तरीके से आ रही है। तो अब अगर कोलंबिया रिवर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो हल्का फुल्का डिटेल डिस्कशन ये है कि भैया लार्जेस्ट रिवर है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपका साउथ अमेरिका में। तो आपको दिख रहा है कि ये यूएसए के नॉर्थ वेस्ट रीजन के लगभग में जा रही, कनाडा के रॉकी माउंटेन से शुरू होती है, ब्रिटिश कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट है जो कनाडा में, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के ब्रिटिश कोलंबिया जो स्टेट है, पहले नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है फिर साउथ जाती है और वॉशिंगटन और ओरेगॉन का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और फिर फाइनली ये पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। 1243 मील लंबी है, 2000 किलोमीटर लंबी है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? स्नेक रिवर। तो बस याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्नेक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोलंबिया रिवर की। और सबके बाद अगर एक बहुत ही लॉजिकल का फॉलोअप क्वेश्चन बनता है कि स्नेक रिवर कहाँ की है, तो आपकी हो गई यूएसए की। ठीक है,
ड्रेनेज बेसिन इसका लगभग फ्रांस के बराबर है, इतनी ज़बरदस्त इसका ड्रेनेज बेसिन है कोलंबिया रिवर का। फिर मिसूरी रिवर की बात कर लेते हैं, मिसूरी मिसिसिपी दोनों की लोकेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। ये मिसूरी यहाँ से बहती हुई आ रही है, मिसिसिपी इधर से बहती हुई आ रही है, दोनों मिल के फाइनली जाके यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाएंगे। तो मिसूरी मिसिसिपी में ही बहुत कुछ है पढ़ने को, हल्का फुल्का देख लेते। तो मिसूरी रिवर भैया सबसे लंबी रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, ये वेस्टर्न मोंटाना के रॉकी माउंटेन से निकलती है, पहले ईस्ट बहती है फिर साउथ बहती है, 3,767 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर ये मिसूरी रिवर जाके मिसिसिपी रिवर में जुड़ जाती है सेंट लुइस मिसौरी के पास, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों कंबाइंड मिलके बहती हैं बहुत डिस्टेंस के लिए, फिर फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये गिर जाती हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि लगभग 12,000 सालों के लिए मिसूरी रिवर पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहे सस्टेनेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए ये तो किसी भी नदी के लिए कहा जाता है फ्रेंड, जिन जिन नदियों के पास में सिविलाइजेशन पड़े हैं उन नदियों पर लोग हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो अपने डेली नीड्स की चीज़ें हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। पानी पे तो भाई देखिए हर कोई सिविलाइजेशन डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि पानी के बिना तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। फिर मिसिसिपी रिवर की बात करेंगे फ्रेंड्स, मिसिसिपी रिवर लेक इटास्का से निकलती है, ठीक है, और न्यू ऑर्लियंस के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो ऑब्वियस बात है न्यू ऑर्लियंस के बाद ये मिसिसिपी और मिसौरी रिवर की जो कंबाइंड स्क्रीन है ये गिर रही है, स्ट्रीम है जो 2,320 लंबी मील लंबी है, यानी कि 3,730 किलोमीटर लंबी है ये मिसिसिपी, और कह सकते हैं कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका का। मिसिसिपी रिवर लगभग 31 यूएस स्टेट्स से निकलती है, टोटल यूएस स्टेट्स कितने हैं 50, ठीक है। एरियल व्यू है ये मिसिसिपी रिवर का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ जाएंगे फ्रेंड्स किसके, रियो ग्रांड के, ठीक है। अच्छा ये एक बात और है कि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है ना आपका मिसिसिपी रिवर का, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, इससे पहले कौन है नॉर्थ अमेरिका में, हडसन ब्रे ड्रेनेज सिस्टम। तो हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हडसन बे है और इसमें जो जो भी रिवर्स जाके बन रही तो कंप्लीट हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम बनाता है ये, ठीक है। तो इसके बाद आता है किसका नंबर, मिसिसिपी मिसौरी के ड्रेनेज सिस्टम का। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं रियो ग्रांडे के बारे में। तो रियो ग्रांडे नदी आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, आप फिर से एक बार इस मैप में देख लीजिए रियो ग्रांडे को, ये रही आपकी रियो ग्रांडे, यहाँ से बह के आके कहीं यहाँ गिर रही है, कहाँ कर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो रियो ग्रांडे रिवर फ्रेंड्स प्रिंसिपल रिवर्स है कोलोराडो रिवर के साथ, साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है, नॉर्दर्न मैक्सिको में थोड़ी बहुत बहती है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो पहले तो साउथ सेंट्रल कोलोराडो से शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में फाइनली जाके मिल जाती है, कुछ समय के लिए मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉर्डर भी बनाती है। फिर सेंट लॉरेंस रिवर की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये लार्ज रिवर है नॉर्थ अमेरिका के मिडिल लेटीट्यूड्स में। देखिए सेंट लॉरेंस रिवर्स कुछ इस तरीके से बहती है, यहाँ पर लेक ऑन्टेरियो है, ऑन्टेरियो से निकल के ऐसे जाके फिर ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन से जुड़ जाएगी, तो ठीक है। तो जो ग्रेट लेक्स के पानी को अटलांटिक से जुड़ने वाला चैनल कौन सा है, सेंट लॉरेंस रिवर का है, कनाडा के क्यूबेक और ऑन्टेरियो प्रोविंस से निकलती है ये, ठीक है, और यूएस के न्यूयॉर्क स्टेट से निकलती है ये फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक और रिवर है जो काफ़ी न्यूज़ में रही है, हडसन रिवर, और बेसिकली ये हडसन रिवर यहाँ पे न्यूयॉर्क है, उसके हडसन रिवर में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि एक एयर फ्लाइट थी जो ली गार्डिया एयरपोर्ट से उड़ी थी न्यूयॉर्क से, और फिर फाइनली वो हडसन रिवर में उसको लैंड करना पड़ गया था, लकीली सारे पैसेंजर्स उसके बच गए थे। तो हडसन रिवर आपकी न्यूयॉर्क से निकलती है, ठीक है, 315 मील लंबी है आपकी ये हडसन रिवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी रिवर हमने देख ली हैं, हडसन देख ली, मैकेंजी देख ली, यूकॉन देख ली, कोलंबिया देख ली, फ्रेजर देख ली, कोलोराडो देख ली, ब्राजो, रियो ग्रांडो, मिसिसिपी, मिसूरी, ठीक है। तो काम भर की सारी ये रिवर्स देख ली फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में तो नहीं गया हूँ, बट हाँ एग्जाम परस्पेक्टिव से जितना ज़रूरी है उतना मैंने आपको बता दिया, और जितना कम समय में बता सकता था, मेन चीज़ ये है उतने कम समय में बता दें, चूंकि यही नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स को अगर मैं आपको 40 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, 35 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद आप वीडियो को देखो भी, मैं 10 मिनट से कम किए हैं तो आप एक बार को देख भी रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। गुड बाय और पढ़ते रहिए, टेक केयर।